दोस्तों इंट्रॉडेट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद आप सारे लोग जानना सीखना समझना चाहते होंगे और आज इस सेशन के अंदर आई एम गोइंग टू शेयर यू द वन इंडिकेटर जो मैंने सीखा इंट्रॉडेट ट्रेडिंग के बारे में और जिसे मैं कह सकता हूँ द किंग ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स इन इंट्रॉडेट ट्रेडिंग तो उसके बारे में आज पूरा एनालिसिस इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं सो so, ये जो सवाल है ये मुझे पूछा है नातू बर्मन जी ने और इनका जो सवाल है वो बहुत ही स्पेसिफिक है कि मुझे ट्रेंड के बारे में और वीव एप के बारे में जानना है और ये जानना चाहते हैं कि भाई ट्रेंड का एनालिसिस कैसे करें ना ट्रेंड के बारे में अगर आप जानना या सीखना समझना चाहते हो तो ट्रेंड अपने आप में एक संपूर्ण नहीं है ट्रेंड इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ टाइम फ्रेम देखो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे uh, ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप पाँच मिनट का टाइम फ्रेम आप चेक करोगे एंड आप भी इस बात को मानोगे कि जो भी ट्रेंड आपको पता चल रहा है पाँच मिनट के टाइम फ्रेम में वो डेली के टाइम फ्रेम में सेम नहीं होने वाला सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अ प्रैक्टिकल लाइफ देखो एक है थीयरी right? भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं और ये है आपका प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका जो अप्रोच है आप जिस तरीके से ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ेगा उस टाइम फ्रेम के अंदर आपका जो ट्रेंड है वो हंड्रेड एंड वन परसेंट डिफरेंट होने वाला है To any other time frame. आप टाइम फ्रेम रिड्यूस करो या टाइम फ्रेम आप इनक्रीज करो नाउ मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूं पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम नाउ यू विल सी अ लॉर्ड ऑफ वीडियो जहाँ पे पांच मिनट का टाइम फ्रेम वन मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये यह यहाँ पे प्रेफर किया जाता है नाव यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ यू आर ए ट्विडर राइट अब इंट्राडे ट्रेडर में और ये टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले जो स्कैल्पर्स हैं इनके बीच में अंतर क्या है ना ऑफ द पीपल के जिनको क्विकली एंट्री फटाफट एंट्री एग्जिट पांच दस पंद्रह मिनट में मतलब पंद्रह मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया पांच दस मिनट में ये अपनी पोजीशन बना के फटाफट एग्जिट करके निकल जाते हैं जो भी मिला पाँच दस पच्चीस पचास पॉइंट या यू नो पॉइंट वन पॉइंट टू परसेंट वो क्विकली के निकल जाते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्कैल्पर्स एंड इंट्रेडेट ट्रेडर्स स्कैल्पर्स जो है उनके नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा उनका बड़ा नहीं होता अब स्कैल्पर जो है निफ्टी में पचास सौ पॉइंट का ट्रेड नहीं करेंगे ये का और इक्वल अमाउंट का आप टारगेट लेकर निकल जाते हैं और इंटरवाडेट ट्रेडर्स जो है इंट्राडेट ट्रेडर यानी क्या आज लिया और आज लेकर छोड़ दिया अब जनरली इंटरवाडेट जो ट्रेडर है उनके थोड़े से पॉलिसीज डिफरेंट होते हैं इंट्राडेट ट्रेडर मार्केट खुला वैसे धनादन ट्रेड करने में बिलीव नहीं करते दे बिलीव एंट्री एट अ राइट टाइम सही समय पे सही ट्रेंड को समझ के एक ऐसी एंट्री ले जहाँ पे जो रिस्क का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल छोटा हो जाए एंड प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बड़ा हो जाए एक्यूरेसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान होता है इंट्राडेट ट्रेडर्स का कंपेयर टू स्कैल्पर्स और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक मिनट और पाँच मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इफ़ यू आर इंट्राडेट ट्रेडर

अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम को ही आपको यहां पे देखना चाहिए अब डेली के टाइम फ्रेम में जो स्विंग है उसके हिसाब से जो ट्रेंड है वो भी बदल जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बेस्ड ऑन स्विंग आप यहां पे मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो बट इफ यू आर अंट्रा डे ट्रेडर देन आपका जो फोकस है वो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा होना चाहिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए एंड अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे बनता है तो आई वुड से ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है और आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी अब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में क्या है एक्यूरेसी ज्यादा होगी लेकिन कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा प्रॉफिट आपका कम बनेगा सो एट द एंड ऑफ एवरीथिंग Uh, आपको यहां पे ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट व्हाट इज योर वे ऑफ अप्रोच आप स्टॉक मार्केट को क्या कैसे देखते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू इंट्राडे इंट्रॉडिशनल स्विंग इंडिकेटर ऑसिलेटर टूल ये सारी चीजें सेकेंडरी है सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में आपका अप्रोच क्या है आप यहाँ पे क्या हासिल करना चाहते हो दैट इज वेरी वेरी मच इंपोर्टेंट ना वी वैप एक्चुअल में चार्ट में कैसे दिखता है तो ये देखो यहाँ पे आपने ये इंडिकेटर आपने देखा होगा कैंडल स्टिक और उसके ऊपर ये जो लाइन यहाँ पे जो चल रही है ना दिस इज नी वैप अब वी वैप एक्चुअल में

का रिजल्ट जो है वो नेचुरली रिड्यूस हो जाएगा लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड होगा तो ये जो इंडिकेटर है ये इतना जबरदस्त आपको पैसे कमा के देगा जो हो सकता है दूसरे इंडिकेटर्स आपको ना दे पाए स्पेसिफिकली इफ यू आर डूइंग अ इंट्राडे ट्रेड्स ऑलराइट तो इंट्राडे के लिए आई वुड से वीवप इज वन ऑफ द बेस्ट लेकिन वीवप इतना बेस्ट क्यों है क्योंकि वीवप आपको सिर्फ

अब एक स्टॉक अगर मैं ध्यान से देखूंगा देखो ये अदानी का क्या ट्रेंड है आज का इसका ट्रेंड है बुलिश इसका ट्रेंड क्या है अदानी पोर्ट का बुलिश अपोलो का ट्रेंड क्या है अभी बुलिश एशियन पेंट का ट्रेंड क्या है अभी बैरिश एक्सिस बैंक का ट्रेंड क्या है अभी बुलिश तो बेसिकली आप किसी भी स्टॉक में ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो और जैसे ही आपने चार्ट ओपन किया आपको बस इतना देखना है कि जो मेरा प्राइस है वो वीवैप के ऊपर है अगर मेरा प्राइस मान लीजिए ये वीवैप है इसके ऊपर है तो जो मेरा ट्रेंड है ये मेरा बुलिश है जैसे यहाँ पे मेरा ट्रेंड क्या है बुलिश अगर मैं और एक स्टॉक में देख लूँ बीपीसीएल इस स्टॉक के अंदर मेरा ट्रेंड क्या है नाउ देखो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट जो मैंने को इंसिडेंट से यहाँ पे जो ओपन हो गया अब ध्यान से देखिये बिकॉज मैंने कहा कि ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग का इंडिकेटर है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 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 ऑन द ये ये फ्राइडे वाला दिन है। यहां पे ये जो है जो स्टॉक इसका मोमेंटम नेगेटिव था, फिर यहां पे हुआ। लेकिन, किया। लेकिन अगर आज तो में है। सुबह जहां पे हुआ, उसी रेंज के अंदर सिग्नल आपको यहां पे देगा यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर आप सिर्फ और सिर्फ वी

अलॉन्द ओ आरबी के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भेजूंगा अपडेट्स में भेजूंगा यू विल गेट एवरीथिंग वेन यू सेंड द मैसेज ओ आर बी टू द्वाट्सअप नंबर जो अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है सो लेट मी नाउ जस्ट कम बैक टू द टॉपिक और यहाँ पे वी नीट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एडवांटेज की ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा एंट्री एग्जिट अच्छी देगा लेकिन अगर आप ओ का इस्तेमाल करोगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी नाउ इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी आप अस्सी नब्बे सौ दो सौ पांच सौ हजार परसेंट आप इसकी एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली ये जो इंडिकेटर है अलॉन्ग फिल्टर्स नाउ इस तरीके का कुछ आप एडिशनल और इसमें कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हो तो टेक्निकल लैंग्वेज में इसे फिल्टर्स कहा जाता है फिल्टर्स अगर आपने लगा दिए तो भी इसकी एक्यूरेसी अराउंड 60 टू 70 परसेंट के आसपास ही आएगी तो ये जो इंडिकेटर है यू विल गेट एक्यूरेसी अराउंड 6 टू 7 परसेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड है अगर आप यहाँ पे एवरेज करने जाओ तो ये वन इज टू टू तक का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके आपको देता है और इंट्राडेट ट्रेडिंग में अगर ये दो कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गया तो आप जेन्यूनली अच्छे पैसे कमा सकते हो आई नो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि सर आपकी जो वी वैप वाली जो यू नो स्ट्रैटेजी है इसमें एक्यूरेसी 60 परसेंट आएगा 70 परसेंट आएगा नाउ आई वुड से इफ़ यू आर आटर सेवेंटी परसेंट की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी मानी जाती है आई नो अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स उनके पास कुछ स्ट्रैटेजी है जो इक्यावन बावन पचपन परसेंट की एक्यूरेसी में वो ट्रेड करते हैं और वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं नाउ ऐसा क्यों है कि एक्यूरेसी कम होने के बावजूद भी पैसा बनता है क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको दो चीज का बैलेंस आपको करना पड़ेगा सॉरी दो चीज का एक है आपकी एक्यूरेसी एंड दूसरा है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मान लीजिए इफ माय एक्यूरेसी इज 51% परसेंट एंड रिस्क टू रिड इज़ ओनली वन इज टू वन तो मैं यहाँ पे सिर्फ वन ही मैं यहाँ पे एडवांटेज मेरा यहाँ पे है लेकिन अगर मान लीजिए इफ माई एकटर है ये नौ बज के पंद्रह मिनट से शुरू होता है और ये प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे चलता है लेकिन अब जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा नौ पंद्रह से आप यहाँ पे दस ग्यारह बारह आप जैसे आप आगे बढ़े तो आप देखोगे कि ये इंडिकेटर में थोड़ी सी रिजिडिटी आ जाती है जैसे आप यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टार्ट में देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये वॉलेटाइल यहाँ पे होता था और काफी अच्छा ट्रेल हो रहा था अब आप देखो स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया 559 का और ये जो ट्रेल स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हुआ 579। ये तो बहुत बड़ा मेरा पैसा लेके चला गया ना तो ये जो इंडिकेटर है दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर फॉर ट्रेल स्टॉप लॉस लेकिन ये 12 बजे के बाद या स्पेसिफिकली एक बजे के बाद इसको आप ट्रेल स्टॉप लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपको समझना पड़ेगा नौ बज के पंद्रह मिनट के पास इसके पास क्या है सिर्फ एक मिनट का डेटा है लेकिन नौ बज के सोलह मिनट के पास अब दस बजे इसके पास यहाँ पे नौ बजे सोलह से दस का डेटा है तो आपकी जो एवरेज है ना वो रिड्यूस हो जाएगी थोड़ा सा मैथ से इसको समझना पड़ेगा लेकिन इन नट इतना याद रखिए कि अगर आप इस इस, इस इंडिकेटर को टी के हिसाब से देख रहे हैं तो एक बजे के बाद ये इंडिकेटर टीएसएल में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा नाव आई नो दे आर लॉर्ड ऑफ यू यू नो एनालिस्ट जो आपको ये कहेंगे कि आप यहाँ पे क्या करिए

Uh, ये देखिए कि वीव आपका आप इस्तेमाल करिए फॉर विच प्रोस्पेक्टिव एंट्री के लिए एंट्री में फिल्टर्स के लिए आप ओ आर बी लगाइए वाई वी आर यूजिंग द ओ ओआरबी ओ इज ओनली फॉर द वन पर्पज के अगर मेरा जो स्टॉक है अगर वो कंसॉलिडेशन है तो कंसॉलिडेशन में मुझे बचाए तो सिर्फ और सिर्फ कंसॉलिडेशन को अवॉइड इग्नोर करने के लिए वी आर यूजिंग द ओ आरबी नथिंग एल्स ट्रेन स्टॉप लॉस के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए सुपर ट्रेंड का और अगर आप यहाँ पे टारगेट सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आई सजेस्ट दिवेट पॉइंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन यूज फॉर सेटिंग द टारगेट तो पेविट पॉइंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप पेविट लिख के अगेन आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है विच इज एट वन फोर वन एट इस नंबर के ऊपर जब आप व्हाट्सअप कर दोगे तो आपको मैं पेविट पॉइंट का भी एक पूरा जो लेक्चर है वो भी मैं आपको भेज दूंगा ना और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा पेविट पॉइंट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन एनहांसिंग योर एंट्री तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है तो अगर आप इंट्राडे के अंदर बहुत जबरदस्त मास्टरी आप हासिल करना चाहते हो तो आई सजेस्ट सम ऑफ द थिंग्स जैसे मान लीजिए वी वैप तो आपको सीखना ही पड़ेगा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी सीख सकते हो आप यहाँ पे ओ भी, भी सीख सकते हो ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आप यहाँ पे सीख सकते हो और अपने यू नो सेकेंड एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए आप यहाँ पे पेवेट पॉइंट भी आप यहाँ पे सीख सकते हो जब आप इस सब का कॉम्बिनेशन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी देर इज़ चांसेस कि वो सेवेंटी परसेंट से ऊपर जाए और हो सकता है कि आप एटी परसेंट की भी एक्यूरेसी आप हासिल कर सको तो आप ये कह सकते हो कि एक आप एक सब्जी बना रहे हो उसमें जितने ज़्यादा आप मसाले आप डालोगे उतना ज़्यादा उसका टेस्ट आएगा बट हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मसाले ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना बहुत कम होने चाहिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इंडिकेटर एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको लॉस

जब फर्स्ट टाइम री वैप इंडिकेटर हिट करेगा तो हमने यहाँ पे उसके लाइफ सिग्नल्स आपको दिए हैं जो आप नीचे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आपको मिल जाएंगे स्पेशली इन अ निफ्टी सबसे पहला डिसएडवांटेजेस का ये है कि जो बाई नेचर ये जो इंडिकेटर है ये लैगिंग इंडिकेटर है इसका मतलब जो आपको सिग्नल कंफर्मेशन मिलेंगे वो थोड़ा सा लेट मिलेंगे एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट और एट जैसे मैंने बताया नौ पंद्रह को तो मार्केट खुलेगा और जब खुलेगा उसके बाद में कुछ कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद रिजल्ट बताएगा इसके लिए लैगिंग है और जैसे जैसे आपका जो समय है जैसे हम नौ पंद्रह को मार्केट ओपन होता है और साढ़े तीन बजे हमारा मार्केट क्लोज होता है तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा इसकी जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाएगी इसके लिए ये जो इंडिकेटर है सुबह अगर आधे

डाउन होगा ना तो उस समय अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो दिस इंडिकेटर्स कैन वर्क लाइक वंडर सो so, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइव चार्ट देख लेते हैं, अब इसमें आपको नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं है अब ये सेम मैंने निफ्टी जब कर दिया, देखो, आपको दिखना शुरू हो गया सी दिस आज के दिन में जो पहली कैंडल है अब पंद्रह मिनट की जो पहली कैंडल है ना इसको आप पे यहां पे छोड़ दीजिए सिंपली अवॉइड कर दीजिए सिंपली इग्नोर कर दीजिए अब यहाँ पे वीवैप में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पंद्रह मिनट की जो पहली कैंडल है उसके बाद दिस इज द सेकंड कैंडल ये इसने uh, वीवैप के नीचे क्लोज दिया नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर जो आपका क्लोजिंग है वो अगर आपको नहीं मिलता है जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल में क्लोजिंग आपको कहां मिला वीवैप के ऊपर मिला अगर वी वैप के ऊपर अगर, अगर आपको क्लोजिंग मिला है तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई का ट्रेड ले सकते हैं और वीवैप के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल का ट्रेड लेना है जैसे ही आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हो आप देखते हो कि मेरा जो प्राइस है वो रिवर्स होगा क्यों क्योंकि आज निफ्टी के अंदर क्या ट्रेंड अवेलेबल नहीं है अब ये कैसे तय करे कि ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ एडिशनल फिल्टर मैं आपको यहां पे बता देना चाहता हूं अगर आप यहां यू नो बाई का कॉल ले रहे हो और राइट अब ये जो आप बाई कर रहे हो अगर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तो नेचुरली इस तरीके के बाई uh, ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी और अगर आप यहाँ पे सेल का ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो और वो अगर आपको पीडीएल के नीचे अगर आपको मिलता है तो नेचुरली जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगी इसका एक केस ट्री लेते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज अ कैंडल ये आपका पहला पंद्रह मिनट का कैंडल है अब देखो पहला पंद्रह मिनट का कैंडल जो है इसको आप यहाँ पे ओ भी, भी कह सकते हो कई लोग ओ आरबी मिनट का देखते हैं कई लोग तीस मिनट का देखते हैं लेकिन कम से कम आपको पंद्रह मिनट का तो देखना चाहिए इसका मतलब वी आप पहले पंद्रह मिनट में, में कोई ट्रेड नहीं करोगे पहले पंद्रह मिनट का ट्रेड मिल गया जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला किस चीज का सेल का अब जैसे आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हो आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस डेज का रेंज है वो यहाँ पे है और ऑलमोस्ट उसके नीचे ही आपको सेल का कंफर्मेशन मिला तो यू कैन हियर टेक अ सेल कॉल और सेल कॉल आप लेते हो तो यू कैन कीप योर टारगेट बेस्ड ऑन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे मान लीजिए अगर मैं वन इज टू टू का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहता हूं तो यहां पे अगर मेरा जो स्टॉप लॉस है लेट्स ये यहां पे बीस पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो यू कैन कीप योर टारगेट एज अ 40 points और जो कि मुझे लगता है कि बड़े आराम से यहाँ पे अचीव हो गया और एल्स यू कैन एल्सो यूज द पॉइंट अब देखो यहाँ पे ये चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर दू और आपको समझ में आएगा कि इस इंडिकेटर ने आपको लॉस दिया कब जब ट्रेंड नहीं था कब जब ट्रेंड नहीं था कब जब यहाँ पे ट्रेंड नहीं था अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ट्रेंड तो है लेकिन आप ये देखोगे पहला आधा दिन जो है ना यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं था तो ट्रेंड हमें कब चाहिए शुरुआत में चाहिए जब ट्रेड मतलब मार्केट शुरू होना तब चाहिए जैसे यहाँ पे वी हैव अ प्रॉफिट यहाँ पे इन दिस वी हैव अ लॉस क्यों क्योंकि ट्रेंड नहीं है यहाँ पे वी हैव अ प्रॉफिट यहाँ पे वी हैव अ लॉस यहाँ पे वी हैव अ प्रॉफिट 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 राइट यहाँ पे वी हैव अ लॉस अब यहां पे और एक चीज सीखने समझने की वाली बात है कि इफ यू वांट टू मेक मनी यूजिंग द वी वेब देन आपको यहाँ पे क्लब करना पड़ेगा ट्रेंड को और स्विंग को तो निफ्टी में ये इंडिकेटर चलता है लेकिन इसकी एक्यूरेसी अराउंड सिक्सटी परसेंट के आसपास है फिर भी ये इंडिकेटर में पैसा बनेगा क्यों क्योंकि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो काफी अच्छा यहाँ पे हो सकता है लेकिन द की टू सक्सेस इन इंडिकेटर दैट इज अ स्क्रिप्ट अगर आप मान लीजिए स्क्रिप्ट सिलेक्शन में अगर आप कुछ ऐसा कर पाए कि आपको यह पता चले कि कल यह स्टॉक चलेगा कल यह स्टॉक गिरेगा कल यह बढ़ेगा तो इस तरीके के स्टॉक में वीवैप कैन गिव यू द रिटर्न लाइक अ वंडर नाउ ये कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि यह लगा दोगे और यह भगवान का इंडिकेटर है कल उठ के आप सीधा के सीधे करोड़पति अरबोपति बन जाओगे सुबह इंडिकेटर आपने इस्तेमाल किया और साढ़े बजे के बाद बी की पूरी फैक्ट्री आपने पूरी कंपनी खरीद ली ऐसा ही होने वाला ये जो इंट्राडी ट्रेडिंग जो है इट ऑफ यू नो आर एंड आप यहां पे आर एन डी जरूर करिए अगर आपको किसी भी चीज की uh, कोई क्वेरी कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन बाय गोइंग टू दिस लिंक आज इस सेशन के अंदर आप लोग आए जुड़े मुझसे मिले उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई एम गोइंग टू सी ऑल ऑफ इन द नेक्स्ट सेशन टिल टेक केयर ऑफ योर हार्ड एंड मनी जय हिंद